नमस्कार टू ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्नीज। आज हम आपके साथ स्नीज यानी छींक के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमें छींक कब आती है? जब हमारे नोज में बहुत सी डस्ट और बैक्टीरियाज होते हैं तो वो हमारे नोज को इरिटेट कर देते हैं, जिससे हमें स्नीज यानी कि छींक आती है। या फिर हम किसी धूल वाली जगह पर सांस लेते हैं तब भी हमें स्नीज यानी कि छींक आती है। इस स्नीज के कारण सामने वाले लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इस स्प्रे बॉटल के थ्रू आपको आज समझाएंगे। देखिए, हमने अपने हैंड पर वन टाइम स्प्रे किया है और देखिए, इससे मेरे पूरे हैंड पर वाटर फैल गया है। इसी तरीके से जब हम एक बारी छींकते हैं तो उसका इफेक्ट 100,000 लोगों पर पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें जब भी स्नीज यानी छींक आती है तो हमें अपनी एल्बो से अपनी नोज को कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें उस एल्बो वाले पार्ट को वॉश करके आना चाहिए और सैनिटाइज भी करना चाहिए, ताकि उस स्नीज का इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी ना पड़े। सो बच्चों, आपको भी छींकने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप और आपके साथ जो भी लोग हैं वो सेफ रह सकें। ओके, थैंक यू।